नमो नमः विद्यार्थिनः तदत्र अस्माभिः अद्य विश्वनाथ कविराज कृते साहित्य दर्पणस्य द्वितीय परिच्छेदे निरूपितस्य पदलक्षणम् इति यत् विषयः तदस्तस्य अध्यापनं प्रारप्स्यते। विद्यार्थियों, विश्वनाथ कविराज के द्वारा स्वयं के ग्रंथ साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में जो पद है, पद का क्या लक्षण है, उस बारे में उन्होंने विवेचन किया और उसी का हम आज अध्ययन करेंगे। पद लक्षण या पद का लक्षण क्यों निरूपित किया उन्होंने? प्रसंग यह है कि प्रथम परिच्छेद में उन्होंने काव्य प्रयोजन हेतु आदि निरूपण करने के पश्चात जो काव्य का लक्षण निरूपण करते हुए कहा था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी काव्य लक्षण में जो वाक्य आया उस वाक्य को परिभाषित करते उन्होंने कहा था पदोच्चयम वाक्यम, और पदोच्चय वाक्यम उसके लिए विशेषण भी प्रयुक्त किए, तीन शर्त रखा कि योग्यता कांक्षा सत्ययुक्त पदोच्चय वाक्यम, कि योग्यता आकांक्षा और सन्निधि से युक्त पदों का जो समूह है वह वाक्य है, और योग्यता क्या वा उसकी आवश्यकता क्यों है, आकांक्षा क्या है उसकी आवश्यकता क्यों है, उसके बिना क्या दिक्कत है, प्रसन्निधि उसकी क्या आवश्यकता है, उसके बिना क्यों वाक्य नहीं हो पाएगा, उसको भी समझाया, और इसी क्रम में महावाक्यों को भी उन्होंने समझाया, क्योंकि महावाक्य को भी कहा वाक्योच्चय महावाक्यम, और वही तीन शर्तें रख दी योग्यता आकांक्षा सत्ययुक्त वाक्योच्चय महावाक्यम, और वाक्य का उदाहरण उन्होंने शून्यम वासगृहम विलोक्य शयना दुत्थाय किंचित सनिः इस पद्य को भी उटंकित किया, उद्धृत किया, क्योंकि जो अलग से व स्वतंत्र रूप से जो पद्य है काव्य है वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाता है, एक श्लोक एक वाक्य है, और क्योंकि वहाँ अनेक पदों का समूह है उस श्लोक में उसका अन्वय होता है और वह आकांक्षा योग्यता सन्निधि से युक्त होता है तब वो काव्य कहलाता है, और महावाक्य के लिए कहा कि रामायण महाभारत और रघुवंश आदि महाकाव्य ये सब होते हैं। अब आगे जाकर कहते हैं कि आपने पदोच्चयम यत वाक्यम पदोच्चय या वाक्यम इति या लक्षणम निरूपितम, जो पदों का समूह ही वाक्य कहा है, तो किमिदम पदम किमचास्य स्वरूपम इति विचिकित्सायाम इति जिज्ञासायाम वा तल्लक्षणम निरूपयितु कामेन विश्वनाथ कविराजेन पुनः इत्थम प्रतिपादयिषितम। क्या प्रतिपादन किया ना, पदोच्चय वाक्यम इति उक्तम, जो आपने पदोच्चय वाक्य कहा है कि तत्र किम पदलक्षण इत्यतः, तो ये पदलक्षण क्या है इसके लिए उन्होंने इस प्रकार कहा है, क्या कहा, न वर्णः पदम प्रयोगार्ह नन्नितेकार्थबोधकः, बोले वर्णः पदम, वर्ण ही पद है, वर्ण का चट ठ प ये सारे वर्ण हैं, अ से लेकर जो ल तक अल प्रत्याहार में सारे वर्ण हैं, तो ये जो वर्ण है वह पद कहलाते हैं, अर्थात वर्णों का समूह ही पद,
तो कोई वर्ण कैसे भी हो पद हो जाएगा क्या? हम चटत पटत तुटुपु मंडुकु लंडुपु मुंडुपु तड़का चड़का ऐसे कुछ भी बोल दें क्या वो पद हो जाएगा? नहीं, उसके लिए उन्होंने प्रयोग किया है, कहा है कि प्रयोग रहा प्रयोग रहा अनन्यतेकार्थ बोधकाः ये वर्णाः तेव पदवाच्याः। प्रयोगार्थता होनी चाहिए। जैसे टतप पंडित ठीक है, तंडिप ये प्रयोगार्थता नहीं है इसमें, और अनन्यते का अर्थ बोध का, अनन्यते का अर्थ बोध का है, भले परस्पर अनित्य नोहकार अर्थ को बोध नहीं कर सकते, ऐसे भी होते अनन्यता अर्थात वाक्य महावाक्य भाई उसमें अन्वय होना चाहिए। अन्यते का अर्थ बोध का न अन्यते का अर्थ बोध का एक अर्थ बोधक नहीं हो सकते भाई, एक अर्थ को बोधक बोधित कराने वाले होंगे पढ़ना अन्वित होकर एक दूसरे में। जैसे हम घट कहेंगे पट कहेंगे ये इनमें प्रयोगार्थता है और अन्वित का अर्थ बोधक है, ये घट संबंधित होकर के घट एक घड़े को घड़े जो पदार्थ है उस पदार्थ को बताते हैं, पट इसमें बताएगा, टप टग ये नहीं होगा, मंडप होगा, पंडप पंडम ये नहीं होगा। तो यही बात कह रहे हैं, एकेत एक इति साकांक्ष अनेक पद वाक्यानम, भले अनन्विता इति भले घट जैसे यथा घट घट पद क्योंकि प्रयोग इति प्रातिपदिक से विवच्छेद प्रयोग रहता है, ऐसे भी वही भी अगर घट है घट खाली कहेंगे वो संस्कृत में पद नहीं कहलाएगा, उनकी सुबंत होना चाहिए या तिंगत होना चाहिए, तिंगत पद या सुबंत पद प्रयोग रहता, गच्छति या वानर या घट घट वानर इसके अंत में सुप है, सु औ ज सम औ सस जो प्रत्यय में से जो प्रत्यय जुड़ा हुआ सुप तिंगंतम पदम तो घट ये सुबंत पद है, तो इसलिए प्रयोगार्थता है। प्रातिपदिक से व्यवच्छेद तो इसको क्या प्रयोगार्थता कहने से प्रातिपदिक जो है वो पद नहीं होगा, और अनन्यता इति कहने से क्या है ना वाक्य महावाक्यो, वाक्य और महावाक्यों से वाक्यों और महावाक्यों का व्यवच्छेद है, वाक्य और महावाक्य में भी वर्ण रहेंगे परंतु वह पदों के साथ अन्वित्य होकर और पद परस्पर अन्वित्य होकर वाक्य और वाक्य परस्पर अन्वित्य होकर महावाक्य को बोध करेंगे। इसीलिए क्या होना चाहिए ना अनन्वित्य होना चाहिए, अनन्वित्य होकर एक अर्थ बोध करते एक ही अर्थ को बोध करें, और एक इति फिर एक क्यों कहा, अनन्वित कहा एकार्थ बोध का, एक का मतलब न साकांक्ष अनेक पद वाक्यानम, अनेक आकांक्षा से युक्त अनेक पद और वाक्यों का व्यवच्छेद है। भाई साकांक्ष अनेक पद जो मिल करके क्या होता है परस्पर आकांक्षा साकांक्ष होकर के वाक्य का बोध कराते हैं, इसलिए अर्थबोध कही थी, अर्थबोध क्यों कहा, जैसे मैंने पहले कहा था आपको कचट तप इत्यादि नाम व्यवच्छेद, कचट तप ऐसे बोल दो, तंडप बोल लो या टग बोल दो या टप बोल दो ये नहीं हो, इसलिए वर्णाइति बहुवचनम अविवक्षितम, वर्ण जो कहा गया ये बहुवचन
नहीं कहा गया कि एक वर्ण भी पद हो सकता है, एक वर्णात्मक पद भी हो सकता है। क क एक पद हो सकता है, क का मतलब है एकाक्षरी कोश में शिव, क का मतलब मस्तक, तो इस प्रकार क का मतलब क नामक प्रजापति देवता। प्रियार्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्च इति त्रिधा मतः। फिर जब उन्होंने काव्य के लक्षण में कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य में फिर कहा पदोच्चयम वाक्यम, फिर पद को उन्होंने परिभाषित किए और पद और अर्थ, शब्दों और अर्थ, तो पद को बताया, शब्द को बताया, अब अर्थ की जरूरत है क्योंकि शब्द और अर्थ मिलकर ही काव्य होंगे। पहले अर्थ कितने होते हैं? तीन प्रकार के अर्थ होते हैं। तो भले ही वाक्यम रसात्मकम काव्यम वो कह रहे हो, लेकिन वो जो वाक्य है पदों का समूह है, उन्होंने कहा वहां भी योग्यता आकांक्षा तो सन्निधि लगा करके अर्थवत्ता भी प्रतिपादित किया, अर्थ होना चाहिए कि बिना अर्थवत्ता से युक्त पद समूह वाक्य नहीं होंगे, क्योंकि शब्दार्थो सहित हो काव्यम। प्राचीन आचार्य भामा ने जो कहा और उसी को महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंश के प्रारंभ मंगलाचरण के छल से उन्होंने शब्द और अर्थ में अभिनाभाव संबंध को प्रस्थापित किया है। तिभागर्थाभ्य संपुक्तो वागर्थ पतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। इसलिए यह प्रासंगिक है कि अर्थों के बारे में बताना, अर्थ कितने होते हैं और अर्थ क्या होता है, जो अर्थ हैं अलग अलग हैं तो कौन सा अर्थ किससे बोधित होता है, उसकी क्या उपादेयता है, तो अर्थ के बारे में विवेचन भी करना बहुत जरूरी है। तो इस दिशा में वे आगे कारिका में कहते हैं कि वाच्य अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिधा मतः। मतलब जो अर्थ है वह तीन प्रकार का होता है, वाच्य अर्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थश्च इति त्रिधा मतः, तीन प्रकार के स्वीकार किया गया है। एसम स्वरूपम आह, तो जो वाच्य और लक्ष्य और व्यंग्य ये तीन अर्थ है, तीन प्रकार के अर्थ हैं, तो इनके स्वरूप, इनके लक्षण, इनकी परिभाषा निरूपण करते हुए कहते हैं कि वाच्य अर्थो विधया बोध्य, लक्ष्यो लक्षणया मतः, व्यंग्य व्यंजनया तास्यु स्त्रीश्र शब्दस्य शक्तयः। पर तीन शब्द शक्तियाँ होती है, कौन? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, और तीन शब्द होते हैं। जब तीन प्रकार के अर्थ होंगे, तीन शब्द शक्तियाँ होंगी, तीन प्रकार के शब्द होंगे, तो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। तो परंतु ये जो तीन प्रकार के शब्द से तीन प्रकार के अर्थ के अवबोधन वो स्वतः नहीं हो जाता, उसके लिए शक्ति की जरूरत है, उसके लिए वृत्ति की जरूरत है, उसके लिए व्यापार की जरूरत है। उसको वृत्ति कहते हैं, उसे व्यापार कहते हैं, उसे शक्ति कहते हैं। वो क्या है? ना अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मतलब अभिधया, अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा, अभिधा व्यापार के द्वारा, अभिधा वृत्ति के द्वारा वाच्या वाच्योर्थ बुद्ध्या, वाच्यार्थ का बोध होता है, वाच्यार्थ का ज्ञान होता है। वाच्यार्थ की प्रतीति के लिए अभिधा शब्द शक्ति की उपादेयता है, आवश्यकता है। और लक्ष्यो लक्षण यामतः, और लक्षणा के द्वारा, लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ का
अवबोधन होता है। और व्यंग्य व्यंजनयामतः व्यंजना व्यापार के द्वारा, व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा ये तीसरी शब्द शक्ति कहते हैं। तो प्रथम शब्द शक्ति अविधा, द्वितीय शब्द शक्ति लक्षणा जिसको गौणी भी शब्द शक्ति बोलते हैं, गौणी क्रिया कहते हैं, और व्यंजना जो ये तीसरी शब्द शक्ति है। जब अभिधा और लक्षणा से किसी गूढ़ अर्थ का बोधन नहीं हो सकता वा गूढ़ अर्थ को बोधन करने की क्षमता क्षीण हो जाती, शक्ति क्षीण हो जाती दोनों शब्द शक्तियों की, अभिधा और लक्षणा की, तब व्यंजना नामक शब्द शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तत्र अभिधाद्याः, फिर अभिधा लक्षणा व्यंजना इन तीनों के लक्षण निरूपण यथाक्रम करते हैं। और अभिधा किससे बोलेंगे, जो प्रथम शब्द शक्ति है, न तत्र संकेतित अर्थस्य बोधनात् अग्रिमाभिधा, बोले तत्र वहाँ संकेतितस्य अर्थस्य, जह खलु अर्थ संकेतितः, पर जिस अर्थ में जो शब्द कहा गया है व जिस अर्थ के लिए पद का प्रयोग किया गया है, संकेतित जो अर्थ है, पे इस चीज को लाना, इस तथ्य को लाना भाई, इस तथ्य को समझो, तो उसके लिए उस संकेतित अर्थ को जब समझाने के कारण व उसका बोधन कराने के कारण अविधा शब्द शक्ति क्या कहलाती है, अग्रिमा पहली शब्द शक्ति जो अविधा कहलाती है, क्योंकि संकेतित अर्थ को बोधन कराने के कारण, संकेतित अर्थ को बोधन केवल अविधा शक्ति कराती है, लक्षणा और व्यंजना नहीं कराती है। संकेतित अर्थ को बोध कराने की क्षमता इसमें अविधा शब्द शक्ति में है। कैसी है, न उत्तम वृद्धि न मध्यम वृद्धम उद्देश्य, उत्तम वृद्ध माने जो बड़ा उम्र से, बुद्धि से, ज्ञान से जो बड़ा है, जो श्रेष्ठ है, जो वयोज्येष्ठ है, तो उसके द्वारा मध्यम वृद्धम उद्देश्य जो उससे थोड़ा छोटा है, वयोवृद्ध में कमी है, वय में उम्र में कम है, तो उससे उद्देश्य करके जब कहा जाता है कि गामानय इति उक्ते, ऐसा कहने पर तम गवानय न प्रवृत्तम उपलभ्य, और वो गाय को लाने की, लाने का जो कार्य उसमें लग जाता है, इस कार्य को देखकर बालह वहीं पास में खड़ा हुआ एक बच्चा अस्य वाक्यस्य, तो पहले गाम आने क्या होता, गाम क्या होता, आने क्या होता है इसको पता नहीं, लेकिन अस्य वाक्यस्य इस वाक्य को जब सुनता है वयोवृद्ध, जो उत्तम वृद्ध कहता है और मध्यम वृद्ध उस कार्य में इस प्रकार प्रवृत्त हो जाता है, तब बच्चा पास में खड़ा है उस वाक्य का अर्थ बोध समझ में आता उसको कि शासनादि मत पिंडानयन मार्थः इति प्रथमं प्रतिपद्यति, कि शासनादि मत पिंडम, गलकंबल शासन माने गलकंबल जो इस प्रकार जो गर्दन में एक लटका हुआ है, इस प्रकार का प्राणी विशिष्ट प्राण, इस प्रकार पिंड विशिष्ट प्राणी को लाने का अर्थ को वो पहले समझता है। फिर अनंतरम, फिर इसके पश्चात गाम बधान, वयोवृद्ध कहता है उस गाय को बांध डालो और अश्वमान या फिर घोड़े को ले आओ इत्यादि, अबाप उद्बापाभ्यम, इस प्रकार लाना और उसको कार्य में परिणत करना, हाँ पा उसको लाना बांधना, इस प्रकार वाक्यों से गो शब्दस्य, गो शब्द का शासनादिमान अर्थ, और गो शब्द का पर्टिकुलर गाम आने में गाम शब्द का अर्थ, गो शब्द का अर्थ वो समझता है कि शासनादिमत पिंड विशिष्ट प्राणी ही गौ है। और आने पदस्य च, आने पद का अर्थ समझ जाता है कि लाना, आहरण अर्थ, जैसे कि गाम में आने लगा अश्व में भी आने लगा, इस प्रकार इति संकेतम अवधारित, इस प्रकार संकेत को अवधारित करता है, तो इसीलिए इसको अभिधा सप्त शक्ति कहते हैं। कोचिच, और कहीं कहीं प्रसिद्धम प्रसिद्ध पद सम अभिव्यहाराच, प्रसिद्ध पद के उच्चारण करने के माध्यम से भी, तो इस प्रकार अभिधा शब्द शक्ति अपने संकेतित अर्थ को बोध करके भी अविधा शब्द शक्ति होती है, और प्रसिद्ध शब्द व्यवहार करके भी अविधा शक्ति प्रभुत्व हो जाती है, वहाँ से भी वाच्यार्थ का बोध हो जाता है। तथा
या प्रभिन्न कमलोदरे मधुनी मधुकरः पिबति इत्यत्र। मतलब यहाँ प्रभिन्न कमलोदरे, ये खिले हुए विकसित कमल के उदर में मधुनी मधुकरः, मधुनी अला शहद को मधुकर अला मधुकर भौरा पिबति पान कर रहा है। तो मधुनी मधुला शहद और मधुकर मधु करने वाले, ये क्या है प्रसिद्ध पद है, मधुकर प्रसिद्ध है। तो भौरा ये अर्थ को बोध करता है, मधु को जो निर्माण करता है, शहद को निर्माण करता है, मधुकर कहलाता है। काचित आप्तोपदेशात, और क्वचित आप्तोपदेशात, कहीं कहीं आप्त पुरुष के द्वारा कहे गए वचन से भी वह वाच्यार्थ का बोध हो जाता है। अभिधा शब्द शक्ति से भी होता है, प्रसिद्ध पद से, प्रसिद्ध पद को उच्चारण करने से, व्यवहार करने से भी होता है, और कहीं कहीं आप्त पुरुष कहने पर भी वाच्यार्थ का बोध होता है। यथा अयम अश्वपद शब्द वाच्य है, जैसे आप्त पुरुष ने कह दिया, जो विश्वस्त पुरुष जो कि आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जिसके बात पर भरोसा की जा सकती है, जिसको समझा जा सकता है कि ये सही कह रहे हैं, ऐसे जिसको विश्वास हो, तो जैसे कि वो कहता अयम शब्द, अयम अश्व शब्द वाच्य, इसी को घोड़ा कहते हैं, ऐसा कहने पर कि सामने वाला समझेगा हाँ ठीक है ये सही कह रहा है, ये घोड़ा होगा। तम च संकेतितम अर्थम बोधयंती, और उस संकेतितम अर्थ को बोध करती हुई शब्दस्य शब्द की शक्त्यंतरान अनंतरिता, दूसरे शक्ति के द्वारा व्यवधान रहित शक्ति ही, जो शक्ति शब्द शक्ति है वो अभिधा नाम, वो अभिधा कहलाती है। इस प्रकार तीन प्रकार के अर्थ के बोध के लिए तीन प्रकार की शब्द शक्ति की जरूरत है। वाच्यार्थ के लिए अभिधा, लक्ष्यार्थ के लिए लक्षणा, व्यंग्यार्थ के लिए व्यंजना। तादापस्थ्य त्यागात महान अभाव न्याय से विश्वनाथ कविराज ने सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति को समझाते हुए उन्होंने कहा साक्षात संकेतितम अर्थम अभिधत्ते न, साक्षात संकेतित अर्थ को जो बोध कराने के कारण वो वाच्यार्थ जो है, वाच्यार्थ को, वाच्यार्थ का बोध होता है वो अभिधा शब्द शक्ति है, और इस प्रकार अभिधा शब्द शक्ति को उन्होंने समझाया। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम यही विराम लेते हैं, आगे पुनः पढ़ेंगे संकेत का ग्रहण कहाँ कहाँ होता है। धन्यवाद।